दोस्तों आज अपनी अनबॉक्स रिव्यूज की सीरीज हम आपके लिए एक नया गैजेट लेकर आए हैं और वो गैजेट है एक स्मार्ट वॉच, और वो स्मार्ट वॉच है बोट वेव स्टाइल स्मार्ट वॉच, जो कि अभी जल्दी लॉन्च हुई है अमेजन पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के दौरान हमने खरीदा है। ये हमें 1299 में मिली है। तो दोस्तों चलिए आज जल्दी से करते हैं इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा नाम पंकज, चैनल का नाम है द टेक ट्रैवलर, जल्दी से सब्सक्राइब हो जाइए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न के दौरान हमने इसको मंगाया था, अभी एक दो दिन पहले हमारे पास आई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसकी अनबॉक्सिंग दे दी जाए। बाकी थारो रिव्यू चेकिंग वगैरह इसके हर एक चीज़ का कि कितना एक्यूरेट है कितना नहीं, वो सब हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए एक फर्स्ट लुक एक अनबॉक्सिंग बनता था, तो हमने बना लिया इसको आपके लिए। एक 1.69 इंच के मीडियम डिस्प्ले की स्मार्ट वॉच है, तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों अपना काम करते रहें। चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोट वेव स्टाइल स्मार्ट वॉच का बॉक्स, पहले देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं, उसके बाद हम बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे। बैक साइड में हमें 550 निट्स ब्राइटनेस, हार्ट लेवल एंड ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, स्लीप मॉनिटरिंग एंड ब्रेथ ट्रेनिंग, क्लाउड एंड कस्टम वॉच फेसेस, वेलनेस इको सिस्टम, कॉल टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, IP68 डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल, कंपैटिबिलिटी एंड्रॉयड 6.0 एंड अबव, iOS 3.0 एंड अबव, बाकी QR कोड फॉर द बोट क्रेस्ट ऐप। चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारी स्मार्ट वॉच कैसी है। मैंने इसे डीप ब्लू कलर में मंगाया है। ओके, बोट वेव स्टाइल रनिंग है, देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ओके, लॉटा पैशन, आई थिंक आई एम अ बोट हेड और QR कोड, थैंक यू बोट हेड, रॉक इन इंडिया और एक यूज़र मैनुअल, बोट हेड का स्टिकर हमें मिल जाता है। अब निकालते हैं हम अपनी स्मार्ट वॉच को। इसके अलावा मिलता है हमको चार्जिंग केबल इसका, और अब बात करते हैं हम अपनी वॉच की। ये डीप ब्लू कलर में है, काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, अच्छा लग रहा है, मतलब कलर काफ़ी खूबसूरत है। जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। लंबे स्टेप्स हैं, स्टेप्स पे बोट की मार्किंग दी हुई है, और काफ़ी सॉफ्ट स्टेप्स हैं, अच्छे लगते हैं, काफ़ी हल्के हैं, सॉफ्ट स्टेप्स हैं अच्छे हैं। इसको हटाते हैं, पहले से डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है, कर्व डिस्प्ले है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ कर्व डिस्प्ले दिया हुआ, लुक काफ़ी इसका अच्छा लगता है कर्व डिस्प्ले का, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे। और साइड में मेटल फिनिश नहीं दिया हुआ है, हालांकि साइड में हल्की सी ये बोट की इंग्रेविंग भी दी हुई है। इधर साइड में काफ़ी खूबसूरत बटन है, अच्छा लग रहा है देखने में। रियर साइड में सेंसर्स हैं, तमाम सारे सेंसर्स हैं, ये चार्जिंग पोर्ट है, डिटैचेबल स्ट्रैप्स हैं, अच्छी चीज़ है। तो वॉच तो हमारी ऑन नहीं हो रही, आई थिंक कि इसमें बैटरी चार्ज नहीं होगी, होनी चाहिए क्योंकि नया प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है कि इन्होंने बैटरी चार्ज करके ही भेजी होगी। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट वॉच है, हालांकि लुक इसका जो है अच्छा है, हल्का सा रेक्टेंगुलर शेप में है, अच्छा लगता है। जो स्ट्रैप्स हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, बटन काफ़ी अच्छा और प्रीमियम फील होता है। बटन के साइड में देखिए हल्की हल्की इंग्रेविंग सुपरी हुई दी हुई है, लेफ्ट साइड में आपको बोट की इंग्रेविंग मिल जाती है, पीछे साइड भी बोट की इंग्रेविंग और सेंसर्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा उभरे हुए नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। और कर्व डिस्प्ले दिया है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो दोस्तों ये हमारे वॉच की अनबॉक्सिंग, इसमें मिलती है हमें हमारी वॉच, हमारा चार्जिंग केबल, और इसके अलावा तमाम सारे जो भी पेपर्स हैं। बात करता हूँ तो ये स्मार्ट वॉच मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि इसका कलर काफ़ी मुझे अच्छा लगा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी। दूसरी चीज़ थी इसका जो ग्लास है फ्रंट का, 2.5D कर्व है, अच्छा लगता है, थोड़ा कर्व स्टाइल में लुक अच्छा आता है। जो कॉर्नर्स पे ये एजेस दिए हुए हैं, मुड़े हुए हैं, ये भी तीसरी चीज़ है जो अच्छी लगती है। स्ट्रैप्स की क्वालिटी भी अच्छी फील होती है। फर्स्ट लुक में तो मुझे वॉच पसंद आई है, बाकी अब देखते हैं कि हाँ ये परफॉर्मेंस में कैसी है, वो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली जब चेक कर लेंगे तब आपसे शेयर करेंगे कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है, कितना अच्छा है कितना नहीं है। इसके अलावा इसकी स्लीप ट्रैकिंग, इसकी हार्ट रेट ट्रैकिंग, इसका जो SpO2 सेंसर है, ये सारी चीज़ें कितनी एक्यूरेट हैं,
गिमिक तो नहीं है, इतने कम बजट में क्या ये अच्छी चीज दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये सारी चीज हम चेक करेंगे। उसके लिए जरूरी है एक बार फिर से कि चैनल पे बने रहिए, तभी तो आने वाले सारे वीडियोस रिव्यूज वगैरह देखेंगे, इसका यूआई, ऐप का यूआई, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, इस वीडियो को रैप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, इंतजार करते रहिए, अगला वीडियो जल्दी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।